गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। और संडे है, आज संडे की मॉर्निंग में हम बना रहे हैं आज तोरई। इसके लिए मैंने मसाला पीस लिया था, ग्रीन मसाला, इसलिए हो रहा है कि मैं हाई कर रही हूँ फ्रेंड। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च की चटनी बनाई थी ना, मसाले मैंने पीस ली थी लहसुन और प्याज में, वो मैंने चटनी मिला के और कढ़ाई में डाल दिया, इसलिए वो ग्रीन हो रहा है। उसमें मैं कोई लाल मिर्च ऐड नहीं करूँगी। यहाँ हमारे चने भी उबल गए हैं, मसाला नमक डाल दिया, अच्छे से भुन जाए तो इसको हम और भी पकने देते हैं। कभी कभी सब्ज़ी में मसाला अच्छे से भुन जाता है तो सब्ज़ी अच्छे लगती है। तो यहाँ मैंने तोरई डाल दी थी, उसको मैंने छील लिया था। तो बस अब हम इसको बनने देंगे। पानी हमने इसलिए लगाया क्योंकि हस्बैंड ग्रेवी वाली खाएंगे तो, और कुछ ज़्यादा लग भी गया। चने भी हमारे उबल गए हैं, फिर लौकी को हमने काट लिया है, लौकी को छील लेंगे। तो संडे का ही थोड़ा टाइम मिलता है कि वो सही से खाना खाएं। तो यहाँ पे बस फटाफट हम लौकी भी अपना छील लेंगे। तो लौकी बहुत ही अच्छी निकली थी ये वाली लौकी, कोई बीज नहीं था एकदम से फ्रेंड। और मैं उठी थी थोड़ा, बस अपना पानी वानी पी के फिर शुरू हो गई थी तो अपना काम में। तो और काम, एक्स्ट्रा काम थे वो मैंने सारे किए, फिर यहाँ बस खाना बनाने लगी। तो फिर लौकी भी हमने उबालने के लिए रख दी। तो यहाँ पे ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू, खीरा सबको मैंने काट लिया। तो पहले मैं सोची कि किचन का ही काम निपटा लूँ, उसके बाद फिर दोनों बच्चों को नहलाना है, कपड़े धुलने हैं, वो करते हैं, फिर खाली रोटी रह जाएगी, वो मैं लास्ट में बनाऊंगी। तो यहाँ पे चने बना दिए, तो यहाँ खीरा भी मैंने, तो देखिए ये पतले पतले चावल के साथ, रोटी के साथ हम आतुरी बनाई है। तो यहाँ दही भी हमारा अच्छे से जम गया है, अब दही को फेंट लेंगे। तो हाँ, हम रायता बनाएंगे, इसका दही बूंदी का रायता। तो दही रेगुलर जो जमता रहता है तो वही है कि हम उसको यूज़ करते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा ही जमा। तो बस इसका हम फटाफट रायता बना लेंगे अच्छे से। थोड़ा हम पतला पतला सा चलाएंगे। तो रायता भी हमारा बन चुका है उधर, और बर्तन भी हम खाली ही कर देंगे कढ़ाई को। तो यहाँ हमने सब्ज़ी निकाल दी, हमारी सब्ज़ी भी बन गई है। तो बस ये जल्दी जल्दी भाग दौड़ वाला काम बस शुरू हो गए हम, और अचानक कहीं, तो यहाँ देखिए लौकी भी हमारी उबल गई है। तो लौकी उबल गई तो बस मैं इसमें ढूंढ रही हूँ, मटर भी हमने छील लिए। हाँ, फिर बच्चों को बीच में देखिए मैगी खानी है, तो बच्चों का यही रहता है कि बस खाना तो बन ही रहा है, अब उनको मैगी खानी है। तो मैं साथ साथ में खाना भी बना रही हूँ और बच्चों के लिए नाश्ता भी बना रही हूँ। तो दक्ष को खानी है स्पेशल, क्योंकि अचानक कहीं जाना है। तो बस जल्दी जल्दी मैं और काम फिर निपटाने लगी हूँ, क्योंकि दक्ष खाना है मैगी। तो जो मटर रखी हुई थी, मटर को मैंने छील लिया था, मैंने कहा मटर सूख रही है आजकल, ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे जो चटनी थी, हमने इसमें रायते में चटनी डाली है लहसुन की, हरी मिर्च की, बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। और यहाँ लौकी हमने उबाल ली है, और ठंडी हो जाएगी ना तो वो लौकी हम इसमें इसमें मिला देंगे छाछ में। तो यहाँ देखिए एक टमाटर और मटर डाल के हमारी मैगी भी बन के तैयार हो रही है। इधर हमने लौकी भी डाल दी है, अब इसमें तड़का देंगे हींग का, जीरे का और लाल मिर्च का बस। तो ये रायता बहुत ही अच्छा रायता लगता है। तो यहाँ रायता हमारा बन के तैयार हो गया है और मैगी भी बन गई है। तो देखिए फ्रेंड किस तरीके से मैंने संडे का काम, और कहीं जाने से पहले और फिर आने के बाद मैंने किस तरह निपटाया है घर का काम। तो बने रहिए, ब्लॉग हमारा पूरा देखना। मैं नहा के आ गई हूँ क्योंकि अचानक जाना पड़ गया, कहीं जाऊँगी, और उससे पहले हम नाश्ता कर चुके हैं, चने खा लिए हम सब लोगों ने। तो बर्तन भी यहाँ लगाने को रह गए हैं,
फटाफट रोटी बना दे रहे हैं, तो हम लोग रोटी बना के खा के बच्चों को खिला के उनको खिला के फिर निकल जाएंगे। उसके बाद जो काम है वो हम करेंगे आके, उन्होंने भी खा लिया है तो देखिए रूम में बैठे हैं। तो बस खाना हमारा लग गया है, तो हमने रायता और सब्जी और पूरी प्लेट लगा दी हस्बैंड के लिए, साथ में मैंने भी अपनी प्लेट लगा लिया, मैं भी खाना खा लेती हूँ, बहुत तेज़ भूख लग रही है। हम लोग आ गए थे फिर वापस, और जब जा रहे थे ना तो मैंने सीधे रोटी सेकने से पहले नहा के फिर मैंने यही सूट तुरंत पहन लिया था, क्योंकि हम लोग तुरंत निकल गए थे। तो देखिए आके घर पूरा ऐसे ही छोड़ गए थे, कपड़े भी नहीं धुले थे और पूरा फैला हुआ घर था। तो मैंने झाड़ू मारी, किचन में मार ली है और रूम में और लाबी में, तो बस ये ड्राइंग रूम रह गया था थोड़ा सा, तो इसको भी अब हम ठीक कर लेते हैं। तो हम झाड़ू मार लेंगे क्योंकि धूल मिट्टी तो बहुत ही हो रही है, हवा चल रही है, तो बस थोड़ा ठीक रहता है कि हाँ काम बीच बीच में थोड़ा हल्की फुल्की सफाई हो जाती है रेस्टिंग। तो बस यहाँ मैंने झाड़ू मार ली है और उसके बाद मैं देखो टाइम मिलता है तब मैं कपड़े धुलूँगी, नहीं तो फिर शाम को फिर मैं कपड़े धुलूँगी। और तो यहाँ पे बस पूरे घर में हमने झाड़ू मार ली है, किचन भी हमने, फिर इसके बाद हम पहुँच जाएंगे किचन में, किचन भी हम क्लीन कर लेंगे। तो हमने अच्छे से अपना जो बर्तन थे वो भी खाली कर दिए, निकाल दिए हैं। अचानक कहीं जाना पड़ जाए फिर ऐसे ही हम लोगों को काम करना पड़ता है कि हाँ बस लौट के आए तब काम में लग जाओ, कहीं जाना है तब जल्दी जल्दी काम करो, बस काम काम। तो किस तरीके से काम मैंने आज संडे का निपटाया है तो फ्रेंड इस ब्लॉग में मैंने दिखाया है, और जो हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पे बस किचन क्लीन भी हो गई, बर्तन भी धुल गए हैं, सारा काम भी हो गया है लौट के आके। अब फ्रेंड इसके बाद मैं अपना किचन पूरा अच्छे से कर लूँगी, सही कर लूँगी, और फिर बाद में थोड़ी देर बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज दिया है, फिर छत पे जाऊंगी आज। तो छत आज मौसम भी बहुत ही अजीब सा हो रहा है थोड़ा, तो ये दिन ही थोड़े ऐसे हो रहे हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैं लगा दूंगी उनकी जगह पे। तो बर्तन लगाने के बाद बादलों का नज़ारा जो छत पे खड़े होके हम फ्री में देख सकते हैं, एकदम गोल्डन गोल्डन हो रहा है इवनिंग में, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बस थोड़ी सी हमने यहाँ वीडियो बना ली है और इवनिंग का ये रहा है आज का मौसम। तो छत का नज़ारा हम बहुत दिन बाद आपके साथ शेयर कर रहे हैं इवनिंग में, तो फ्रेंड और देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस हम यहाँ पर देखिए घुमाए पड़े हैं, देखे पड़े हैं और आपको भी दिखा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, इसीलिए हमने आपके साथ ये सब शेयर किया है। शाम को देखिए मैंने सारे कपड़े धुल दिए, ये सूट मैं पहन के गई थी, मैंने ये भी धुल दिया है, और बेटी ये पहन के गई थी, मैंने उसके भी सारे कपड़े धुल दिए। देखिए मैंने कितने सारे कपड़े अभी धुल दिए हैं, अब किस लिए मैंने धुले, वैसे मैं मॉर्निंग में धुलने वाली थी, मैंने बच्चों की हाउस भी धुल दी है, ड्रेस इसलिए धुल दी क्योंकि हस्बैंड है हमारे वो अभी तक नहीं आया ऑफिस से, और बहुत टाइम हो गया, 10 बजने वाले हैं। तो मैं क्या करती है, मैं मॉर्निंग की तैयारी कर रही हूँ बच्चों को लंच के लिए, और तब तक मैंने कपड़े भी धुल लिए हैं और भी काम करूँगी अभी मैं, और बहुत टाइम हो गया अभी तक नहीं आए हैं, तब तक मैंने सोचा ये कपड़े ही धुल लूँ, कल के लिए आसान हो जाएगा थोड़ा काम। काटूंगी भिंडी, क्योंकि भिंडी मैंने कपड़े धोने से पहले मैंने भिगो के मतलब साफ करके धुल के रख ली थी, तब तक ये सूख गई, इनका पानी सूख चुका है और अभी तक आए नहीं है, तब तक मैं भिंडी को काटूंगी। उससे पहले मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, फेस में धुल लिया था क्योंकि बेटी को मैंने उसे लिटाल दिया है, मैंने कहा आपको स्कूल जाना है, अब वो अभी तक नहीं सोया, दक्ष अभी तक टीवी देख रहा है, वो जब तक
वो नहीं आएंगे तब तक वो सोएगा भी नहीं। अब मैं भिंडी काट ले रही हूँ फटाफट, जल्दी जल्दी, बहुत टाइम हो गया अभी भी नहीं आए हैं ऑफिस से, और मैं कुछ ना कुछ, और दक्ष नहीं सो रहा है उनके बिना। तो मैंने यहाँ भिंडी भी काट ली है और हरी मिर्च भी मैंने काट के रख ली है। प्याज मैं मॉर्निंग में ही काटूंगी, प्याज ताज़ा ताज़ा काट के डालती हूँ। और मैं काम तब तक, देखिए आरू की ना बेटी की टेस्ट शुरू हो गए हैं, उसके मंथली टेस्ट शुरू हो गए हैं, तो टेस्ट कॉपी कुछ रह गई थी कवर चढ़ाने के लिए और कुछ पे हो गया था। तो देखिए मैंने ये इतनी देर से, मैंने इतनी कॉपी पे भिंडी काटने के बाद इतनी भी मैंने कवर चढ़ा दिया है, देखिए। और अकेले ये कितना मुश्किल होता है, और अभी भी नहीं आए हैं और अभी इतनी सारी कॉपी बची हैं, तो उसके टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। और तो यहाँ पे मैंने एक बेटे की कॉपी थी उस पर भी मैंने चढ़ा लिया है, और अभी उसके रह गए हैं। देखिए ये ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है, ये बुक वाला था और हम कंफ्यूज हो गए, मतलब ध्यान ही नहीं रहा, कॉपी वाला बुक पे चढ़ गया, बुक वाला कॉपी पे आ गया, ये वाला था कॉपी वाला। तो कोई नहीं, हम काम कर रहे हैं, जब वो आएंगे तो गरम गरम रोटी सेकेंगे, और अभी 11 बजने वाले हैं, बहुत टाइम हो गया। तो अभी हम जो बचा है काम तब ये कर लेते हैं पूरा। 11 बज गए, अब आए हैं ऑफिस से, अब आज संडे था तो इतना टाइम लग गया है। अब देखिए दक्ष अभी तक जग रहा है, इसलिए जग रहा है क्योंकि वो उन्हीं के साथ सोता है। अब इसकी मैंने कॉपी पे रह गई है अभी कुछ कॉपी, तो मैं कल उसको ठीक करूँगी, कवर चढ़ाऊँगी, और अभी मैं उनके लिए रोटी बना दूँ फटाफट फ्रेंड। और यहीं पे वीडियो का करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, जो चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। टाइम दिखाती हूँ आपको, चलिए अभी वह कैमरे से